नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार मीणा आपका जय भारत ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूँ। देखिएगा दोस्तों, जो हम साइंस की जो शिक्षण विधियाँ पढ़ रहे थे, उन साइंस की शिक्षण विधियों में जो लास्ट जो चर्चा की थी लास्ट क्लास में, वो योजना या प्रयोजना विधि से संबंधित जो चर्चा की थी, उसमें लास्ट जो बिंदु की हमने बात की कि जो योजना या प्रयोजना या जो प्रोजेक्ट जो विधि है, वो थार्नडाइक के तीन नियमों पर आधारित है। थार्नडाइक के जो भी वो कैसे नियम थे, वो प्रमुख नियम थे दोस्तों। तो देखिएगा, हमारी जो योजना या प्रयोजना विधि चल रही थी, उसमें थोड़ा सा वापस उसमें रिविजन करते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, हमारी जो विधि चल रही थी, कौन सी चल रही थी, वो चल रही थी दोस्तों योजना योजना या प्रयोजना या प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट। देखिएगा दोस्तों, ये जो हमारी योजना परियोजना जो विधि है, मैंने कहा था, हमने चर्चा भी की थी कि ये जो योजना विधि है, इसके जो जनक है, इसके जनक या प्रणेता किसे माना जाता, तो वो हमारे किलपैट्रिक को माना जाता है। किलपैट्रिक को माना जाता है, देखिएगा। और इसका जो विचार दिया था, वो विचार किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों जॉन डीवी ने। किसने दिया था, जॉन डीवी ने। और ये किस विचारधारा की देन मानी जाती है, तो ये प्रयोजनवाद विचारधारा की देन मानी जाती है। देखिएगा, ये जॉन डीवी है, इनके जो शिष्य की हम बात करें, तो इनके शिष्य कौन है, तो इनके शिष्य कौन है दोस्तों, वो है किलपैट्रिक। कौन है, किलपैट्रिक। देखिएगा, ये किलपैट्रिक वही है दोस्तों, इन्होंने कहा था कि जो किशोरावस्था होती है वो है जीवन की सबसे सबसे कठिन अवस्था होती है। ये बात किसने बोली थी, तो ये बात भी किलपैट्रिक ने ही बोली थी। और इन्होंने एक बात और बोली थी कि जो बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। ये बात भी किसने बोली थी, तो ये बात भी हमारे किलपैट्रिक ने ही बोली थी। देखिएगा, ये किलपैट्रिक किनके शिष्य थे, तो ये थे जॉन डीवी के विचारों को मूर्त रूप किसने दिया था, तो वो हमारे किलपैट्रिक ने ही दिया था। ठीक है दोस्तों, कि जो योजना विधि है, उसके जो जनक या प्रणेता वो कौन है, वो हमारे किलपैट्रिक है। जो कि किलपैट्रिक वो है दोस्तों, जिन्होंने ये बातें बोली थी कि जो किशोरा जो अवस्था होती है, वो जीवन की सबसे कठिन अवस्था होती है, और जो बाल्य अवस्था होती है, वो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है। ये बात किसने बोली, तो ये बात हमारे किलपैट्रिक ने बोली थी। और विचार इसके जो इस विधि के जो विचार दिए थे, वो जॉन डीवी ने दिए थे। और जॉन डीवी के विचारों को मूर्त रूप किसने दिया था, मूर्त रूप प्रदान किसने किया था, वो हमारे किलपैट्रिक ने प्रदान किया था। देखिएगा, ये जो योजना जो विधि है, वो प्रयोजनवाद विचारधारा की देन मानी जाती है। मैंने बात की थी दोस्तों, जो विचारधारा होती है वो हमारे पास कितनी होती है, तो वो विचारधारा हमारे पास चार होती है सर, कि कौन कौन सी। एक तो होगी हमारे पास आदर्शवाद विचारधारा, दूसरी होगी प्रकृतिवाद विचारधारा, और तीसरी होगी कौन सी होगी, वो होगी यथार्थवाद विचारधारा, और चौथी कौन सी होगी, वो होगी साहब का प्रयोजनवाद विचारधारा। ये हमारे पास क्या थी, तो ये हमारे पास चार विचारधाराएं थी। और हमने चर्चा की थी कि ये जो आदर्शवाद विचारधारा, इसके प्रणेता कौन, किस किस को माने जाते हैं, तो वो हमारे सुकरात
सुकरात के साथ साथ अरस्तु, और अरस्तु के साथ साथ कौन है, तो प्लेटो, ठीक है। और इस प्रकृतिवाद के, इस प्रकृतिवाद के समर्थक कौन थे, तो वो थे रूसो। कौन थे, रूसो। देखिएगा वो दोस्तों, रूसो वही है जो प्रकृतिवाद का समर्थक था, मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में केवल और केवल वो किसकी बात करता था, केवल और केवल वो प्रकृति की बात करता था। वो कहता है कि जो बच्चा या विद्यार्थी जो सीखता है वो केवल और केवल कौन सिखाती है उसको, केवल और केवल प्रकृति सिखाती है। कौन सिखाती है, प्रकृति सिखाती है। केवल और केवल कौन सिखाती है, प्रकृति सिखाती है। देखिएगा जैसे कि एग्जाम्पल मैंने कहा था कि अगर कोई माँ चूल्हे के पास दूध गर्म कर रही है, चूल्हे के पास दूध गर्म कर रही है और बार बार वो उसके पास जा रहा, बार बार वो उसके पास जा रहा है, और तो वो रूसो क्या कहता है उस संदर्भ में, यह कहता है कि उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, तब उसको जलन महसूस होगी, तो अपने आप समझ जाएगा कि वहाँ जाने से क्या होता है, जलन होती है। देखिएगा भाई बात ऐसी है, ये जो बात बोलता है रूसो वो अपने ऊपर लागू नहीं होती। अपने ऊपर लागू तो क्या होती है, डायरेक्ट मालफा खावागी, छी मालफा खावागी। कह दे मम्मी, कह दे बेटा उठा न जानो, उठा न जानो, तो बेटो कह रही रपट रुट जाए, देख बाबा कई हो रही हो, रपट जाए, न मान तो दी कि तो मम्मी का दो चार मालवा पड़े पेरू देन पड़ जाए, उठे चालवा मम्मी कुटे ले चाला। पर रूसो जी क्या कहते, उसको जो सिखाती जो प्रकृति सिखाती। और आपको पता है रूसो ने प्रकृति पे क्या लिखा था, तो एमिल ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ लिखा था, एमिल ग्रंथ। और एमिल ग्रंथ में पुरुष व स्त्री के बारे में बताया था, और स्त्री का नाम इन्होंने दिया था, वो दिया था सोफिया। क्या नाम दिया था, सोफिया। और पुरुष को इसमें क्या नाम दिया था, एमिल। जो केवल जो लुगाई जो शिक्षा देनी है वो अक्षी देनी, हस्तलिखित की देनी। लुगाई ने शिक्षा न देनी, देनी तो अक्षी देनी, हस्तलिखित की देनी, वरना शिक्षा न देनी। लेकिन जो पुरुष का बारे में, पुरुष ने जो शिक्षा देनी है वह तो शिक्षा दे, लेकिन स्त्री ने शिक्षा न देनी, मतलब कि यूं कह सकते हैं जो रूसो था वो स्त्री शिक्षा के विरोधी था, स्त्री शिक्षा के विरोधी था। तो ये हमारी चर्चा में चल रही है, कौन सी योजना या प्रयोजना विधि, तो इसकी पूरी हमने जानकारी देखी थी। अब इसके बाद में जो हमारे आगे अगला जो इसका बिंदु आता वो ये आता है, लास्ट में हमने चर्चा भी की थी कि जो योजना या जो परियोजना या प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट जो विधि है, यह थॉर्नडाइक के प्रमुख है, तीन नियमों पर आधारित है, तीन नियमों पर आधारित है। देखिएगा थॉर्नडाइक जो था वो मनोवैज्ञानिक से संबंधित था। मनोवैज्ञानिक में इन्होंने जो नियम दिए थे वो कुछ तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, वो तो इसके प्रमुख नियम थे दोस्तों। इसके गौण नियम भी है और भी है, जैसे कि अधिगम जैसे वगैरह वगैरह, वो आप साइको में पढ़ोगे। तो इन्होंने जो इसका जो पहला नियम है लिख लिया थे, तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाव का नियम। ये नियम हो गए तांडाय के, कौन कौन से, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव का। तो देखिएगा तत्परता का अर्थ ये होता है कि तुरंत सीखना, मतलब तत्पर हो, कोई चीज को सीखने के लिए तत्पर होता है, तुरंत सीखना। और अभ्यास का, देखिएगा अभ्यास का मतलब है कि कोई चीज को पढ़ने के बाद उसका बार बार अभ्यास करना चाहिए। उसका बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, तो वो अभ्यास में रहती है, वो याद रहती है। साथ कहते हैं ना कि दोस्तों, एक लोकोक्ति है कि करत करत कर अभ्यास जड़ मत होई सुजात, रसरी जावत आवत शिल्पत होई निशान। ये कहावत भी थी कि अगर मूर्ख व्यक्ति या कम बुद्धिमान विद्यार्थी या व्यक्ति अगर बार बार अभ्यास करने के बाद वो सर्वश्रेष्ठ बन सकता है, तो वो किस पे, अभ्यास के ऊपर, वो अभ्यास करने से भी मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है दोस्तों। तो ये हमारी एक लोकोक्ति थी जो कि एक गुरुकुल में बोली थी कि वो बच्चा बहुत ही कमजोर होता था, वो गुरुकुल छोड़कर जानने की जिज्ञासा हो गया कि मेरे से पढ़ाई नहीं होती, और वो सब पढ़ लेता था दोस्तों। वो केवल और केवल कौन कौन से विषय में कमजोर था, केवल और केवल संस्कृत में। तभी वो एक कुएं के पास जाता था तो पानी भरने वाली जो महिलाएं थी तो वो रस्सी से पानी खींच रही थी, और उसने एक शिल्पे देखा
कि एक कमजोर रेसिपी उस सिल्क के ऊपर क्या कर देती है, उस सिल्क को ऊपर दरार कर देती है, तथा निशान छोड़ देती है। तो उसने क्या सोचा है कि यार एक कमजोर रस्सी भी एक सिल्क पे निशान कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो देखिएगा उसका उस बच्चे का नाम शायद मेरे हिसाब से शेत केतु होगा। तो उसके ऊपर एक लोकोक्ति प्रचलित हुई थी कि करत करत कर अभ्यास जड़मत होई सुजात, रसरी जावत आवत शिल्पत होई निशान। तो अभ्यास करने से भी मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है दोस्तों। और प्रभाव का नियम, किसी क्रिया में प्रभाव रखना, किसी चीज़ में प्रभावशीलता मतलब प्रभाव दिखाना अपना, वो ये सब थानडाई के नियम है और इन नियमों के ऊपर ये विधि टिकी हुई है या इन नियमों से आधारित है। देखिएगा अगली जो बात आती है, इस योजना विधि की कुछ परिभाषाएं हमारे पास आती है, कुछ परिभाषाएं आती है दोस्तों। वो परिभाषाएं कौन कौन सी है, तो पहली जो परिभाषा आती है वो हमारे पास आती है किलपैट्रिक की। ये कहता है कि जो प्रोजेक्ट है वह है जो सफलतापूर्वक कार्य है जिसको पूर्ण सहलग्नता के साथ पूरा किया जाता है। कि प्रोजेक्ट वह कार्य है जिसको पूर्ण सहलग्नता के साथ पूरा किया जाता है, वो परिभाषा किसकी होगी, वो परिभाषा हमारे पास किलपैट्रिक की परिभाषा हो जाएगी। किसकी परिभाषा हो जाएगी, किलपैट्रिक की परिभाषा हो जाएगी। और देखिएगा जो दूसरी जो परिभाषा आती है, वो दूसरी परिभाषा किसकी आती है, तो वो आती है हमारे पास बेलार्ड की जो परिभाषा वो ये कहता है कि प्रोजेक्ट है वह विद्यालय का अंश है जिसको विद्यालय में पूर्ण किया जाता है। कि बेलार्ड के अनुसार जो परिभाषा होगी कि प्रोजेक्ट वह विद्यालय का अंश है जिसको विद्यालय में पूरा किया जाता है, कि प्रोजेक्ट जो वह कार्य है दोस्तों जिसको विद्यालय में पूर्ण किया जाता है। और तीसरी जो हमारे पास जो आती है, वो आती है हमारे पास वो परिभाषा हमारे पास किसकी आएगी, तो वो आएगी हमारे पास स्टीव वेंस की। ये यूं कहते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो समस्या मूलक कार्य है जिसको प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। ये परिभाषा किसकी होगी, तो ये परिभाषा स्टीव वेंस की हो गई कि प्रोजेक्ट वह समस्या मूलक कार्य है जिसको हम प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। तो वो परिभाषा किसकी हो गई, वो परिभाषा हमारे पास स्टीव वेंस की हो गई। देखिएगा दोस्तों एक बार समझिएगा वापस से, हम जो बात कर रहे हैं वो किसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं जो कर रहे हैं कि कुछ परिभाषाएं हमारे पास है, जो कि पहले बात परिभाषा आती वो हमारे पास आती किलपैट्रिक की, कि प्रोजेक्ट वो सफलतापूर्वक कार्य है जिसको पूर्ण सहलग्नता के साथ किया जाता है, जी जल लगाकर काम प्रोजेक्ट में। दूसरा बेलार्ड, कौन सी बेलार्ड की परिभाषा आती है, और ये कहते हैं कि प्रोजेक्ट वह विद्यालय का अंश है जिसको हम केवल और केवल विद्यालय में पूर्ण कर सकते हैं, तो ये परिभाषा किसकी हो गई, बेलार्ड की। देखिएगा तीसरी परिभाषा हमारे पास किसकी आती थी, तो वो आती है स्टीव वेंस की, कि प्रोजेक्ट समस्या मूलक कार्य है जिसको प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण किया जाता। तो देखिएगा दोस्तों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समय को ना गवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा इसे योजना योजना या प्रयोजना जो हमारी विधि चल रही है इसके हमारे पास कुछ प्रकार आते हैं, कुछ इसके प्रकार आते हैं। देखिएगा ये कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, कुछ प्रकार आते हैं जिसमें से हमारे पास जो पहला जो प्रकार आता वो आता है, वो आता विद्यार्थी विद्यार्थी। एक मिनट देखिएगा दोस्तों, मैं इसको से लिख लेता हूँ। कि प्रकार की हम बात करें किसकी, प्रकार की। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, प्रकार की हम बात करें दोस्तों तो इसमें जो पहला जो हमारे पास जो प्रकार आता वो प्रकार कौन सा आता, तो वो हमारे पास आता मित्रों विद्यार्थी विद्यार्थी की संख्या के आधार पर, विद्यार्थी की संख्या के आधार पर पहला प्रकार कौन सा हो गया विद्यार्थी की संख्या के आधार पर, और दूसरा जो हमारे पास आता वो आता समय के आधार पर देखिएगा तीसरा जो हमारे पास आता वो आता विषय वस्तु के आधार पर देखिएगा दोस्तों हम योजना विधि के प्रकार की बात कर रहे हैं कि विद्यार्थी की संख्या के आधार पर, समय के आधार पर और विषय वस्तु के आधार पर। देखिएगा जो विद्यार्थी की संख्या के आधार पर है फिर इसे उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता, एक हमारे पास आ जाता है व्यक्तिगत एक आ जाता सामूहिक देखिएगा मैं इसको इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा। जो हम बात कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, विद्यार्थी की संख्या के आधार पर। देखिएगा विद्यार्थी की संख्या के आधार पर हमारे पास जो पहला था वो आता व्यक्तिगत और दूसरा आता सामूहिक। कौन सा आता दोस्तों, सामूहिक। देखिएगा व्यक्तिगत का अर्थ ये होता है दोस्तों केवल और केवल इसमें मुख्य एक विद्यार्थी को माना जाता है, केवल और केवल एक विद्यार्थी द्वारा काम किया जाता है। जैसे शिक्षक ने एक विद्यार्थी को कहा कि तेरे को कल पादप कोशिका का चित्र बना के लाना, तो जैसे कि एग्जाम्पल चार्ट बनाना ये चार्ट कौन बना रहा, केवल और केवल एक व्यक्ति बना रहा। व्यक्तिगत की बात आ रही है कि दोस्तों कि केवल और केवल एक विद्यार्थी द्वारा कार्य किया जा रहा है, और एक क्या बना रहा, चार्ट बना रहा। ये साथ तो नहीं कि चार्ट में चार पांच झुंड का झुंडी पड़ा अशोक चमचाड़ो को ने चमचाड़ो केवल और एक ने प्रधान मानते हुए बताया गया सामूहिक तौर पर या देखेगा सामूहिक से पता चल रहा एक से अधिक देखिएगा जो विद्यार्थी है वो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए होंगे तो वो सामूहिक रूप को अच्छे से जानते होंगे देखिएगा जो सामूहिक रूप से जो कार्य किया जाता उसे सामूहिक रूप से माना जाता। फॉर एग्जाम्पल की बात करें कि सरकारी जो स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते थे उसमें हर एक क्लास का लास्ट का जो पीरियड होता था उसमें पौधों को क्या करवाना पड़ता था, पानी पिलाना पड़ता था, तो वो सामूहिक रूप के साथ झुंड का झुंडी जावा पानी पिलावा जावा गया आज ही क्लास को नंबर है तो मतलब वो समूह में जावा तो वो पौधों ने पानी पिलावा, तो जो आज स्कूल में कई लगाना अपन है पौधा लगाना तो समूह में लगाए, ये तो ना कि भाई एक थूई लगाए पूरी क्लास में पौधा थूई लगाए, मतलब कि पूरे स्कूल में पौधा लगाए। तो अशोक तो कही चमचाड़ो को ने कि समूह में काम करना अर्थात ग्रुप में काम करना। देखो भाई मैं ग्रुप में काम करा तो कई करा, जब मैंने पोसार के लिए सब्जी लेवा खाना हुआ तो एक बार कही हो जो हमारे हेडमास्टर थे तो उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या लेके आना, 4 किलो पेटा लेके आना है जो कि पोसार में काम आएगा। तो समूह में गया, 4-5 गया काम करवा दे, उठा जा एक तो आगरा को फेटाड़ो अलग हो और एक सब्जी बनावा को फेटाड़ो अलग हो। तो हुआ यूं कि तब हम समझते कम थे तो क्या हुआ था, तो
उनको कहा कि पेटा क्या भाव दिया, तो उसने कहा कि भाई 80 रुपये किलो। तो मैं सोचा रहा यार कि सरना तो क्यों 4 किलो आ जाए, 200 रुपये देर भेजे यार के, ये तो घुड़ी मांगो दे। मैं सोचा कई दिन मांगो क्यों, मैं क्यों भाई ठीक है एक काम कर तू 2.5 किलो कर दे। क्या करते 2.5 किलो कर दे, ले गया और ले जा। जैसे मैं क्लास स्टार्ट होगी मैं पोसार का बाढ़ रख गई, पोसार का बाढ़ सामने रख गया और उसमें थोड़ी देर बाद में कही होगी कीड़ियों की, कीड़ियों के बाद में मन यार क्यों भाई होता फेटे ले बकना है ले सब लिया है 2.5 किलो आयो सर क्यों कहो 2.5 किलो से आयो। तो गया जो उठ दे नंगे पड़ी उठे तो गए साहब का आगरा फोटो चढ़ लिया। ओ भाई साहब कई मुर्गा बनाया है पूरी स्कूल का ग्राउंड लगाया, फिर थाने फेटो और आगरा का फेटो अंतर न चल रही हो। तो देखिएगा दोस्तों होता क्या, समूह में जो कार्य होता है ना वो नियम गड़बड़ हो, समूह में जो कार्य हो वो नियम गड़बड़ हो। एकलो व्यक्ति करे तो उस सोच और बूझ के साथ कार्य करे, सोच और बूझ के साथ कार्य करे। समूह में काम कर एक जगह नया यार यू कर, एक नया यार यू कर, फलाण कर डिगड़ो कर, तो आधा दिमाग तो वे खराब कर दे। तो गया तो खटेक तो नमकीन का या खटेक विशिट का जैसे बस स्टैंड पर लिया, बस स्टैंड पर लिया तो फेटो ले लो, फेटो ले लो इतना फेटो चाड़ लिया आया, फेटो ले आया। तो ये देखिएगा ये समूह का हमारे कार्य हो गया, ये समूह का कार्य हो गया। और समय की बात करें, समय की अगर बात करें दोस्तों समूह के आधार पर, तो समय के आधार पर एक तो होता हमारे पास लघु और एक होता दीर्घ, एक तो होता लघु और एक होता दीर्घ। देखिएगा दोस्तों लघु का अर्थ होता छोटा और दीर्घ का अर्थ होता बड़ा। समय का मतलब लघु यानी कि कम समय पर, और दीर्घ का मतलब हो गया अधिक समय पर, अधिक समय पर। कोई विद्यार्थी को काम दिया गया उसे कहा कि तेरे को कम समय में पूर्ण करना, तो वो समय के आधार पर कैसा होगा, वो लघु यानी कि छोटा दिया होगा, और बड़ा कि समय के आधार पर तेरे को बड़ा कार्य करना, बड़ा कार्य करना समय को मद्देनजर रखते हुए। तो अपन कहना होगा बैठो ले 5 मिनट में काम होता तो 15 मिनट गवा रह गया, अशन काम चले। और विषय वस्तु के आधार पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विषय वस्तु के आधार पर। तो देखिएगा विषय वस्तु के आधार पर क्या होता, तो इससे जो किलपेक्ट्रिक है, किलपेक्ट्रिक है दोस्तों, उन्होंने 4 भागों में बटा, कितने भागों में बटा, 4 भागों में विभाजित किया, 4 भागों में विभाजित किया। तो इस प्रकार को देखे गया विद्यार्थी की संख्या के आधार पर, और समय के आधार पर, और विषय वस्तु के आधार पर। तो देखिएगा विषय वस्तु के आधार पर जो बांटा था, पहला वो आता हमारे पास कौन सा था, तो पहला आता दोस्तों कलात्मक, कलात्मक, कलात्मक परियोजना, कलात्मक परियोजना। और दूसरा आता दोस्तों वो आता समस्यात्मक, समस्यात्मक परियोजना। और तीसरा आता वो होता हमारे पास अभ्यासात्मक, और चौथा आता वो आता हमारे पास रचनात्मक, रचनात्मक। ठीक है, कलात्मक परियोजना, समस्यात्मक, अभ्यास और रचनात्मक, ये किलपेक्ट्रिक ने 4 प्रकार बताए थे। कौन कौन से, कलात्मक, समस्यात्मक, अभ्यास और रचना। इनके आधार पर देखिएगा कलात्मक का जो अर्थ है, वो कलात्मक का अर्थ है दोस्तों किसी कला से, कला से, जैसे कि गायन, गायन, कविता, कविता। देखिए दोस्तों अपनी कला का प्रदर्शन करना, अपनी कला का प्रदर्शन करना, आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया कि आपको कविता बोलनी, तो किस कला के माध्यम से आप उसको बोलोगे, तो वो कौन सा हो गया हमारे कलात्मक है, हो गया। और देखिएगा जो दूसरा हमारे पास कौन सा, समस्यात्मक, समस्यात्मक का अर्थ यह है दोस्तों किसी वाद विवाद, वाद विवाद, वाद विवाद प्रतियोगिक परीक्षा, वाद विवाद प्रतियोगिक परीक्षा। देखिएगा वाद विवाद प्रतियोगिक परीक्षा में क्या होता है कि 4 स्टूडेंट चुनते हैं कि आपको इस पेपर का टेस्ट देना, आपको इसका देना। तो स्टूडेंट क्या होता, वो समस्या में पड़ जाता कि यार यार मैंने तो ये पढ़ाई नहीं कि वाद वाला तो इस स्टूडेंट को दे दिया और विवाद वाला उसे दे दिया। तो इस प्रकार से वाद विवाद प्रतियोगिता में क्या होता है, विद्यार्थी समस्या में पड़ जाता है, तो वो हमारा समस्यात्मक परियोजना हो जाएगी। और अभ्यास, अभ्यास का मतलब यह दोस्तों कि कौशल से, मतलब कौशल से कि किसी चीज का बार बार अभ्यास करना, किसी बार बार अभ्यास करना। अब देखिएगा आपको मैंने कह दिया आपको मानचित्र बनाना है साहब, क्या मानचित्र का अभ्यास करना है, मानचित्र का अभ्यास करना। देखिएगा मैंने कह दिया कि ये आपके एक मिनट गलत बन गया थोड़ा सा,
मैंने कह दिया आपको साहब कि ये मानचित्र भरना है। ये आपको मानचित्र भरना साहब, क्या भरना? मानचित्र भरना। और मैंने आप, मैं क्यों था ना, आप कहीं करूँ जैसलमेर बनू साहब, जैसलमेर बनू, तो आप जैसलमेर कटा भर दिए, जैसलमेर कटा भर दे। मैं कहते साहब धौलपुर बनू, धौलपुर कटा भर दे। मैं कहते साहब झालावाड़ बनू, झालावाड़ अटा भर दे। तो असन होगा अगर आपको अभ्यास नक्शे का, मैंने कहा जैसलमेर भरना तो जैसलमेर तुरंत आप यहाँ भर देंगे, मैंने कहा धौलपुर भरना तो धौलपुर फटाक से यहाँ भर देंगे, और मैंने कहा कि झालावाड़ भरना तो झालावाड़ आप फटाक से यहाँ भर दोगे, यहाँ भर दोगे। मैंने कहा भरतपुर भरना तो भरतपुर फटाक से भर दोगे आप, अलवर भरना तो फटाक से भर दोगे। तो इस प्रकार अगर नक्शे का आपको अभ्यास है, नक्शे आप बार बार अभ्यास करते हो तो नक्शे को चुटकियों में आप भर दोगे, या नक्शे मानचित्र के अलावा कोई सा भी आप टॉपिक ले लीजिए, अगर आपको उसका अभ्यास नहीं है तो उसको आप नहीं कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते। तो ये हमारा किस प्रकार से ये हुआ, तो ये अभ्यास का हुआ। इसका हुआ दोस्तों, ये अभ्यास का हुआ हमारे पास, ये हमारे पास अभ्यास का हुआ। और रचनात्मक, रचनात्मक का अर्थ होता है दोस्तों रचना करना, रचना करना, रचना करना, रचना करना सार कि रचना करना। मैंने कह दिया आपको क्या करना, तो मानचित्र, मानचित्र की क्या करनी, रचना करनी है साहब, क्या करनी, रचना करनी है साहब, रचना करनी। तो क्वेश्चन कह रही हो यो बनायो नक्शो, और योर योर यो यो यहाँ नक्शो बना दे, नक्शो बना रहे पूरे बारे में डिटेल समझ, क्वेश्चन कई करना, मतलब एक रचना के माध्यम से उसको आपने समझा दिया, क्या कर दिया उसको, समझा दिया। तो ये हमारा रचनात्मक हो जाता है। अब दोस्तों इस विधि की जो अगला जो हमारे पास आता वो आता क्या आता, चरण आता, क्या आता, चरण आता। यूं कह दे योजना विधि के चरण की बात करने जा रहे हैं हम, किसकी, चरण की, ये ले लीजिएगा साहब चरण। अब चरण में पहला जो आता इसमें क्या होता, तो साहब को परिस्थिति उत्पन्न करना, परिस्थिति, परिस्थिति उत्पन्न करना, परिस्थिति उत्पन्न करना, परिस्थिति उत्पन्न करना, किस पे उत्पन्न करना, तो बच्चों में परिस्थिति उत्पन्न करना, बच्चों में परिस्थिति उत्पन्न करना, बच्चों में क्या करना दोस्तों, परिस्थिति उत्पन्न करना। देखिएगा आपने विद्यार्थी को महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाया, किसके बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा दिया साहब, किसके बारे में पढ़ा दिया, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा दिया। और आप विद्यार्थी को कह देते हो या बच्चों को कह देते हो, अब आप क्या करना, चेतक के बारे में याद करके आना, और क्या करना, चेतक के बारे में याद करके आना, और मैंने मेरे को बताना कि चेतक क्या था, चेतक किसका घोड़ा था, चेतक की और क्या क्या विशेषताएं थी। तो विद्यार्थियों में वो क्या होगी, परिस्थिति उत्पन्न होगी कि यार मेरे सर ने हमारे को महाराणा प्रताप इतनी अच्छे से समझाया और हमारे को कह दिया कि चेतक के बारे में आपको कर लेके आना। तो वो बच्चों में क्या होगी, वो एक प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो बच्चा क्या करेगा, रट्ठा मार स्टार्ट करी, ढूंढ करी यार चेतक कौन हो, चेतक कौन को बाप हो, घोड़ो हो, कई फलाना डीगड़ा फलाना डीगड़ा। तो वो बच्चों में क्या होगी, वो एक परिस्थिति उत्पन्न होगी। परिस्थिति के उत्पन्न के साथ साथ क्या होता है, अब इसमें क्या होगा, तो उस आदत साहब की योजना, योजना का चयन करना, योजना का चयन करना। दूसरा आदत के साहब की योजना, योजना की रूप, रूपरेखा, रूपरेखा तैयार करना, रूपरेखा तैयार करना। तीसरा साहब की योजना, योजना, योजना की क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करना। और तीसरी अगली जो विशेषता आगी वो आगे हमारे साहब के अगला जो चरण आएगा वो आगे योजना, योजना का, योजना का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। और अगला जो चरण आएगा वो आएगा साहब का योजना, योजना, योजना की, योजना की लेखा जोखी करना, लेखा जोखी करना या लेखा जोखी करना। ठीक है दोस्तों, अब ये चरण, इन चरणों का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा कि आपने परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि बच्चों में क्या हो कि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा दिया और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में किसको कह दिया, विद्यार्थियों को कह दिया। कि आपने ये कहा कि आपको चेतक के बारे में स्टडी या अध्ययन करके लाना या उसमें को क्या करना, लिख के लाना। तो वो वेज योजना का चयन हो गया, क्या होगा, योजना का चयन हो गया कि आपको चेतक के बारे में क्या करना, लिख के लाना। तो विद्यार्थी क्या करेगा, तो विद्यार्थी फिर उसका क्या करेगा, योजना की रूपरेखा तैयार करेगा। क्या करेगा दोस्तों, उस योजना की रूपरेखा तैयार करेगा कि कैसे चेतक का, चेतक किसका घोड़ा था, चेतक की समाधि कहाँ है और चेतक ने क्या क्या किया था,
क्या क्या नहीं किया था और उससे महाराणा प्रताप व अचेत के बीच में क्या संबंध था, तो उसके क्या करेगी रूपरेखा करोगे, और योजना के क्रियान्वयन, क्रियान्वयन का अर्थात तथा ग्रह कार्य से सा क्या अर्थ ग्रह कार्य से, फिर उसको प्रोजेक्ट में आप उतारोगे, क्या करोगे प्रोजेक्ट में लिखोगे उतारोगे, और उसके बाद में क्या करेगा योजना का मूल्यांकन, और क्या होगा शिक्षक के द्वारा उस योजना का क्या होगा दोस्तों, उस योजना का मूल्यांकन होगा, क्या होगा मूल्यांकन होगा, और योजना की लेखा जोखी होगी, क्या होगी लेखा और जोखी होगी, अर्थात विद्यार्थी में संबंध बताया जाएगा कि योजना की जो विधि मैंने बताई थी किसने लेखा और किसने मतलब अच्छा लिखा किसने अच्छा नहीं लिखा, वो किसके ऊपर याद डिफेंड करता, तो वो शिक्षक के ऊपर डिफेंड करता। इसमें जो महत्व दिया जाता वो किसको दिया जाता, तो वो हमारे योजना की क्रियान्वयन अर्थात गृह कार्य से संबंधित इसको बढ़ावा दिया जाता। देखिएगा इस योजना विधि के चरण, जो योजना विधि के जो चरण माने जाते हैं दोस्तों वो चार भी माने जाते हैं और छः भी माने जाते हैं, चार भी माने जाते हैं और छः भी माने जाते हैं। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये था 6। अगर आपको पूछ ले कि योजना विधि के चरण है तो उसमें चार ऑप्शन हो तो आपको चार करना, अगर उसमें छः तो आपको छः करना। और इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आते हैं योजना विधि के गुण। देखिएगा योजना विधि का जो गुण आता पहली वो आता हमारे पास मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, अर्थात करके सीखने के ऊपर आधारित है, करके सीखने पर आधारित है, करके सीखने पर आधारित है। दूसरा सार की ये माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है, माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है, माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है, माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है। और दूसरा कि प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए अति अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। देखिएगा योजना विधि के गुण की बात कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, तात करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, और माध्यमिक स्तर तो उपयोगी है, मतलब छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, बड़े बच्चों के लिए उपयोगी है। दूसरी प्रभावशील विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण। देखिएगा पाठ्यक्रम इसमें क्या होता है, समय पर पूरा नहीं होता, ये इसके आप चाहे तो क्या लिख सकते हो, दोष लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो दोस्तों, ये दोष लिख सकते हो कि दोष क्या है, तो इसमें लिख सकते हो विद्यार्थी केंद्रित है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता, ये इसके दोष लिख सकते हो आप। और विद्यार्थी को बढ़ावा कम ज्ञान दिया जाता है, अर्थात ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो कम होती है, और पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं होता। तो ये देखिएगा दोस्तों आज जो हमारी जो परियोजना या योजना या जो प्रोजेक्ट विधि है वो यहाँ कंप्लीट होती है दोस्तों। और अगली जो विधि हमारे पास आती है वो कौन सी आती है, तो हमारे पास आती है मित्रों वो हमारे पास जो आती है अगली वो ये आती है दोस्तों कौन सी, वो अन्वेषण या खोज या प्रयोगशाला या यूरेस्टिको विधि। देखिएगा दोस्तों ये जो विधि है हमारे एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है आर्कमिडीज थे, जो क्या कर रहे थे, वो एक सोने के
अपेक्षित घनत्व के बारे में क्या कर रहे थे, वो शोध कर रहे थे। और शोध करने के साथ साथ वो क्या हुए, वो खुश होकर एक शब्द दिया दोस्तों, क्या दिया, वो शब्द दिया यूरेको। क्या दिया, यूरेको। इस यूरेको शब्द, इस यूरेको शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इस यूरेको शब्द का अर्थ होता है मैंने पता लगा लिया। ठीक है साथ, सोना का ऊपर अपेक्षित घनत्व को पता लगा, कुछ और उछल गयो, उछलने के बाद में क्यों, यूरेको। और यूरेका का अर्थ क्या हो गया कि मैंने पता लगा लिया। और इसी शब्द को हमारे एक शिक्षा शास्त्री जो कि क्या थे, आर्मस्ट्रांग, उनका नाम क्या, आर्मस्ट्रांग। और इस आर्मस्ट्रांग ने क्या किया, तो खोज विधि को बढ़ावा दिया। क्या दिया, खोज विधि को बढ़ावा दिया। अर्थात यूँ कह सकते हैं, जो खोज विधि के जो जनक माने जाते हैं, उस खोज विधि के जनक किसको कहा गया था, तो वो आर्मस्ट्रांग को कहा गया था। किसको कहा गया दोस्तों, आर्मस्ट्रांग को कहा गया था। देखिएगा, खोज, अन्वेषण और प्रयोगशाला, अगर इसे विधि को हम गहराई से देखें, तो इस विधि को गहराई से देखने पर क्या होती है, खोज होती है। इस विधि में क्या होता है, तो विद्यार्थी को कम से कम सिखाया जाए और अधिक से अधिक खोज के लिए प्रेरित करें, देखिएगा, ये जो है विधि, ये प्रयोग के ऊपर आधारित अधिक है। देखिएगा, प्रयोग के ऊपर आधारित क्यों, क्योंकि जो विज्ञान होती है, विज्ञान जो होती है वो क्या करती है, विज्ञान एक जो सिद्धांत, एक सिद्धांत और एक क्या होता है, प्रैक्टिकल। देखिएगा, सिद्धांत तो वो जो थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं, और प्रैक्टिकल क्या हो गया, वो करके देखते हैं, हम प्रयोगशाला में करके देखते हैं। देखिएगा, इसीलिए कहा गया कि विद्यार्थी को कम से कम तो विषय वस्तु पढ़ानी चाहिए या विषय वस्तु का ज्ञान देना चाहिए, और उसको अधिक से अधिक खोज के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो वो हमारी कौन सी विधि हो गई, वो खोज या अन्वेषण विधि हो गई। तो देखिएगा दोस्तों, आज तक के लिए यहीं तक, और कल इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, खोज या अन्वेषण या प्रयोगशाला विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।